ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. प्रोटेक्शन नहीं चल जाता है. सी इख्वान, इस बात को याद रखो, हमको शादी करने से पहले है ना, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को फिजिकल और सेक्सुअल फिटनेस बहुत जरूरी है. मैं एक बात बोल के आगे बढ़ता हूं, यकीन मानो हमारे सम्मान काउंसलिंग सेंटर में 10 केसेस आते हैं मैरिटल डिस्प्यूट के. मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 केसेस में सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल इलनेस या डिसऑर्डर, इरेक्शन या डिसफंक्शन, ये जो होता है इरेक्शन डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर एजुकेशन या इंपोर्टेंस. इंपोर्टेंस तो लास्ट की है, छोड़ो. उससे पहले मैं वल्लाह दिल से बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों तक ये बात पहुंचाना है. शादी के बाद मजा लेना है, खुशी उठाना है, एंटरटेन करना है, गम्मत करना है, सेक्सुअल अर्ज को पूरा करना है. शादी से पहले अपने शर्मगाहों को गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि शादी के बाद रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा तुमको. चेहरा बीवी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम. मैं क्लियरली इस बात को बोलता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि वल्लाह मैं पेशेंट देख रहा हूं, रिश्ते टूट रहे हैं, बीवी को खुश करने में लायक नहीं है वो आदमी. शादी होकर 4 साल 5 साल 10 साल हो गए, कभी अपने बीवी को ऑर्गेजम लाने नहीं दिया. ऑर्गेजम वो एक क्लाइमैक्स होता है ना, जो क्लाइमैक्स इंटीमेसी का जो लास्ट जो फोर प्ले, ये सब बातें आगे आएंगी. तो ये मैं आपको सेक्सुअली और फिजिकली, फिजिकल मतलब खाना, मैं आगे बढ़ता हूं, एक्सरसाइज, ओके एक्सरसाइज करते रहो छोड़ा, और सोना और अपना फ्रेंड सर्कल और अपना फोन, ये 5 चीजों को अगर तुमने बैलेंसिंग के साथ चलाना, तुम्हारे से फिट और तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल बनना नहीं है. ओके, इसमें स्पेशली तुम्हारा, मैं खास करके जो ये कर रहा हूं सेक्सुअल जिंसी ताकत पर, जिंसी ताकतें आजकल सोशल मीडिया फिंगर ऑफ टिप पर सब कुछ है. ओके, लम्हों ने खता की, यानी चंद मिनटों के फायदे के लिए सालों बैठ के रोना पड़ेगा. चंद मिनटों के मजे के लिए, टेस्ट के लिए, गम्मत के लिए सालों बैठ के रोना पड़ेगा, वापस ओरिजिनल पावर नहीं आएगा. ओके, डरो मत, आगे मैं बताऊंगा. सपोज अगर कोई आपका दोस्त इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है या इसका एडिक्शन हुआ है, उसको कैसे उससे रिमूव करना है या किस तरीके से, शादी हो भी गई है तो किस तरीके से जाना है, मैं ट्राई करूंगा आगे बोलने की.